कोयला कैसे बनता है? जब पेड़ पौधे मिट्टी में दफन हो गए, जब पेड़ पौधे मिट्टी में दफन हो गए, खासकर पेड़, तो धीरे धीरे समय के साथ किस में चेंज कर गए? कोल में। इसलिए कोल आपको पाया जाता है कहाँ? रिवर वैली में। जैसे झारखंड का कोयला, कोयला कहाँ मिलता है? दामोदर वैली में मिलता है। झारखंड का कोयला कहाँ मिला? दामोदर वैली में। उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का कोयला कहाँ मिल रहा है? कौन सी नदी है? उड़ीसा की मेन नदी कौन है? महानदी वैली। महानदी का शुरुआत कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से होते हुए कहाँ जाती है वो? उड़ीसा, है ना। छत्तीसगढ़ होते हुए कहाँ गई? उड़ीसा। तो जो कोयला है वो कहाँ मिल रहा है? रिवर वैलीज में पाया जा रहा है। जो पेड़ दफन हुए वो समय के साथ कोयले में परिवर्तित हो गए। जहाँ पर कोयला का खदान है वहाँ जब चीज़ सड़ती है तो थोड़ा मीथेन भी बनता है। तो ऊपर आपको कोयला है, हार्ड कोयला, और इस कोयले के नीचे में आपको यहाँ पर इस लेयर में, मैं लाल कलर से बना रहा हूँ, इस तरह से मीथेन ट्रैप्ड होती है। कुछ मात्रा में क्या होती है? मीथेन दफन होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोल बेड मीथेन, CBM। पहले झारखंड में या बंगाल में या इस पूरे बेल्ट में केवल कोयला का खुदाई होता था। आजकल कोयला के साथ साथ कोल बेड मीथेन भी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। कंपनी जैसे ड्रिलिंग करती है ना, ONGC वगैरह, वो ड्रिल करके कोयले के अंदर ड्रिल करके पाइप को नीचे तक पहुंचाया और यहां से क्या पाया? कोल बेड मीथेन। कोयला हुआ, कोयले के साथ क्या हो गया? कोल बेड मीथेन। तो कोयले की खदान है, खदान के निचले हिस्से में आप कई बार पढ़ोगे कि कोल माइन में ब्लास्ट होता है। कोल माइन में ब्लास्ट का भी मेन कारण क्या होता है? मीथेन। कोल माइन में कई बार ब्लास्ट होता है, उसका भी मेन कारण होता है क्या? मीथेन। मीथेन है, आप ड्रिल कर रहे हैं, चिंगारी हुआ, मीथेन में ब्लास्ट हो जाता है। या जो अंडरग्राउंड माइन होता है, इसलिए लेबर का जांच करता है कि बीड़ी उड़ी तो लेकर नहीं चले आ रहा है। अंदर में कोलवरी में कई जगह मीथेन ट्रैप रहता है कोल रॉक में। अब वहां गया, बीड़ी सुलगाए, इसलिए आप देखिएगा उसके क्या माथे के ऊपर ये रहता है, इलेक्ट्रिक टॉर्च रहता है। ये नहीं कि वहां मसाल जला के कोयला तोड़ रहे, नहीं भाई, आग क्या करेगा? इनफ्लेमेबल मटेरियल है। तो कोल बेड मीथेन हो गया। अच्छा, अब भाई ऑयल और गैस का क्या कहानी होता है? ऑयल और गैस पाया जाता है दो सेडिमेंट्री रॉक लेयर के बीच में। आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में क्या क्या लेयर होता है रॉक का? इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो जो ऑयल और गैस हमेशा कहां पाया जाता है? दो सेडिमेंट्री रॉक लेयर के बीच में। इसके बीच में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह दफन हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दफन हो गए, वो समय के साथ टेम्परेचर और प्रेशर के कारण चेंज हो गए किसमें? ऑयल और गैस में। तो कई तेल के कुएं में आपको, कई तेल के कुएं में आपको ऑयल भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा। जैसे देखिए इस डायग्राम में, देखिए यहां पर ऑयल भी है, ठीक, और यहां पर क्या लिखा? कन्वेंशनल एसोसिएटेड गैस। एक ही तेल के कुएं में आपको ऑयल भी मिल रहा है और गैस भी मिल रहा है। कई कुएं में यह चीज होगा, ऑयल और गैस दोनों मिलेगा। जैसे बॉम्बे हाई है, ज्योग्राफी में पढ़ते हो गए, भारत का एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई बॉम्बे से लगभग 100-150 किलोमीटर समुद्र में है। सेडिमेंट्री रॉक लेयर के नीचे ड्रिल करके आप तेल और गैस निकालते हो, वहाँ ऑयल और गैस दोनों है। तो कुछ तेल के कुएं में ऑयल और गैस दोनों होता था। पहले क्या करते थे? गैस को जला देते थे। गैस का कोई काम समझ में नहीं आता था, उस गैस को कहाँ ढोके ले जाएंगे, क्या करेंगे, उस गैस में आग लगा देते थे, तो हमेशा गैस जलता रहता था। अब क्या है, उसका समझ में आ गया, और आज के डेट में देखो CNG वगैरह शहरों में क्या चलता है? गैस का यूज कर रहे हो, है ना। अब आइए दूसरा, यहाँ देखिए, यहाँ पर है कन्वेंशनल नॉन एसोसिएटेड गैस। ये ढांचा ऐसा बना हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत कम गैस, मतलब ये लेयर है, और इस कुएं में केवल और केवल क्या मिल रहा है? गैस मिल रहा है, यहाँ ऑयल नहीं है। तो कुछ सेडिमेंट्री रॉक में केवल गैस होगा, कुछ में गैस और ऑयल दोनों होगा। जैसे कतर में गैस का काफ़ी बड़ा उत्पादन है। ईरान के कुछ कुएं में गैस काफ़ी मिलता है। तो पहले एक परियोजना आई थी, ईरान पाकिस्तान इंडिया, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन की परियोजना थी एक, कि ईरान से चलेगा पाकिस्तान होते हुए गैस कहाँ जाएगा? भारत। गैस का ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता पाइपलाइन के थ्रू। ज्योग्राफी पढ़े आप लोग? नहीं, ज्योग्राफी पढ़िएगा या स्कूल वाला पढ़िएगा, स्कूल वाला पहले किताब निकालिएगा, स्कूल वाला जो किताब है उसको फेंकना मत रद्दी में, ठीक है तो निकाल के रखना। अपना पढ़ा हुआ किताब से अच्छा कोई किताब नहीं होता, नोबेल प्राइज विनर से भी अच्छा आपका किताब है। आप उस किताब को पढ़े तो आपको पता है इस पन्ना में क्या काम का चीज़ है, ठीक है। हमेशा नया चीज़ में जाइएगा तो आप कन्फ्यूज कीजिएगा, एक ही चीज़ में आप ऐड कीजिए, अपग्रेड कीजिए, ठीक है, उसमें अपग्रेड की। उस किताब को कभी इज्जत से रखो, स्कूल वाला किताब अगर है उसको पूरा इज्जत दे के रखो। उस किताब को रिवाइज तुरंत में कर लोगे, नया नोट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये फलाना आया ढिमकाना आया, भाई दिमाग में खोपड़ी में घुसना भी तो चाहिए, कलम से लिखाना भी तो चाहिए। UPSC रिसर्च बेस्ड एग्जाम नहीं ना है ना, क्या आपको रिसर्चर बनाएगा? UPSC किस पे बेस्ड है? एस्टैब्लिश्ड फैक्ट पर। UPSC में एस्टैब्लिश्ड फैक्ट पे जनरली रहता है, खासकर साइंस में, है ना। अच्छा, कोयला समझ गए,
ऑयल और गैस समझ गए। एक और नया सोर्स ऑफ एनर्जी आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं सेल, जो कहते हैं क्या सेल, ये देखो गैस रिच सेल लेयर। ये गैस सेडिमेंट्री रॉक के अंदर पाया जा रहा है। कुछ गैस कहां पाया जा रहा है? गैस रिच सेल। तो यहां पर यह पाइप को ड्रिल करना पड़ता है इस पत्थर के अंदर, उस पत्थर को तोड़ते हैं तब गैस निकलता है। एक हुआ ये वाला, देखो गैस निकलना, ये हुआ तेल का कुआं यहां पर। तो आपके घर में ऐसे मोटर, पानी का मोटर चलाते हो ना, सबमर्सिबल, स्विच ऑन किए नीचे से पानी निकाल लिया। सऊदी अरेबिया में, कतर में क्या है, वो नीचे गैस फील्ड तक गया हुआ है, उसने मोटर ऑन किया गैस निकल गया, तो उसकी लागत बहुत कम होती है। लेकिन सेल गैस में क्या होता है, ये पाइप को ड्रिल करते हैं किसमें, रॉक के अंदर, उस रॉक को तोड़ते हैं, तब रॉक को जब तोड़ते हैं, सेल रॉक को, सेडिमेंट्री रॉक है, उससे गैस रिलीज होता है और कुछ ऑयल भी रिलीज होता है। तो आज के डेट में यूएस में सेल गैस पे बहुत काम किया है। सेल क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक लेयर है। सेल क्या है? सेडिमेंट्री रॉक लेयर है। तो अमेरिका के डेट में काफी ज्यादा सेल गैस का उत्पादन कर रहा है। ऐसे करके पाइप ड्रिल किया, पाइप को ड्रिल करके ये रहा सेल रॉक लेयर, सेल रॉक के अंदर पाइप डाला ड्रिल करके। अब इसमें छोटे छोटे होल होते हैं, इसमें हाई प्रेशर पे वाटर और गैस को पंप करते हैं। बहुत हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, पानी और गैस को पंप करते हैं। इन पाइप में ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, तो इससे वाटर और गैस निकलते हैं और ये क्या करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक को ये तोड़ते हैं। ये कहलाता है फ्रैक्चरिंग। ये कहलाता है फ्रैक्चरिंग। ये थोड़ा महंगा प्रक्रिया होता है, फ्रैक्चरिंग कॉस्टली होता है। सेल रॉक लेयर को आपको तोड़ना है, तब उसके अंदर जो ऑयल और गैस है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये कॉस्टली अफेयर होता है। सेल गैस या सेल ऑयल की लागत, अगर हम बात करें, अगर सेल ऑयल निकलता है तो मिनिमम 25 से 30 डॉलर पर बैरल इक्विवेलेंट के आसपास आएगा, क्योंकि इसमें ये प्रोसेस में खर्च होता है। ठीक, तो सेल कहां से मिला, सेल रॉक से। इस प्रक्रिया को क्या करें, फ्रैक्चरिंग। पाइप को ड्रिल करते हैं सेल रॉक लेयर्स में, इन पाइप में होल्स होते हैं छोटे छोटे, परफोरेशन। वाटर और गैस को हाई प्रेशर में पास कराते हैं, सेल पे पत्थरों को तोड़ा, इससे गैस निकला, उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया। ठीक है, अब देखो इसका तुलना आप इससे कीजिए। यहां पर कोई खर्च नहीं है, यहां पर क्या है, जैसे घर में आपका मोटर चलता है, एक बार ऑयल के लेयर या गैस लेयर तक आप ड्रिल कर दिए, ठीक है, मान लिए 2,000-2,500 मीटर की गहराई पर पहुंच गए, वहां पर मोटर लगा दिया, जैसे आपका सबमर्सिबल है उससे ज्यादा पावरफुल मोटर होगा, जब आप स्विच ऑन कीजिएगा तो क्या होगा, गैस निकल गया। तो जो तेल और क्रूड ऑयल और गैस का प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है कम होता है, सेल गैस का कॉस्ट क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, क्योंकि बार बार आपको पत्थर में ड्रिल करना है, बार बार पत्थर को तोड़ना है, तब जाकर के आपको गैस निकलेगा। किसमें, हाँ, पाइपिंग भी लगेगा आपको, इसका भी कॉस्ट हो जाएगा। हाँ, इसको बार बार बेंड करना है, जैसे मान ली एक बार इधर आप रखे हुए हैं, मान ली आपने इस साइड को ब्रेक कर दिया, अगली बार इस पाइप को थोड़ा इधर आप ड्रिल कीजिएगा ऐसे करके, फिर यहां के रॉक स्ट्रक्चर को तोड़कर गैस निकालिए, फिर अगेन इस साइड ड्रिल करना पड़ेगा। तो हर कुछ दिनों बाद पाइप को दूसरे डायरेक्शन में ड्रिल करके आपको निकालना, इसलिए इसकी लागत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन कोई भी देश सबसे पहले अपने एनर्जी सोर्स का आकलन करता है, यही है। पानी को हाई प्रेशर में उसके थ्रू पास कराते हैं, तब जाके क्या होता है, वो रॉक स्ट्रक्चर टूट जाता है, तब उससे गैस निकला, इसी प्रोसेस का कहते हैं फ्रैक्चरिंग। इसमें वाटर का भी यूज बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ड्रिलिंग भी करना है और दूसरा इसमें वाटर का भी यूज काफी ज्यादा है फ्रैक्चरिंग प्रोसेस में। तो ये इसकी अपनी लिमिटेशन है। लेकिन जिस देश के पास सेल का रिसोर्स ज्यादा है, इसे देखिए यूएस, देखिए यूएस के पास में सेल गैस का ह्यूज रिजर्व है। आप यूएस के एरिया को देखो, कितने बड़े एरिया में इसका सेल का रिजर्व है। पहले सेल का उत्पादन कम होता था क्योंकि ये महंगा पड़ता था, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, धीरे धीरे 10 साल 20 साल उस पर रिसर्च करते रहा और आज के डेट में लागत 25-30 डॉलर पे हो गई है। तो आज के डेट में यूएस इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा, यूएस क्या है, एनर्जी का एक्सपोर्टर है। अब वो यूएस इंपोर्टर ऑफ एनर्जी नहीं है, यूएस है सेल गैस को वो नेचुरल गैस के तौर पर एक्सपोर्ट करता है, इसलिए यूएस के पॉलिसी में भी चेंज आया है। एक समय यूएस निर्भर था किसके ऊपर, वेस्ट एशिया के ऊपर,
आज की डेट में उसको उसकी निर्भरता क्या हो गई है, खत्म हो गई है। इनफैक्ट वो ऑयल और गैस का क्या हो गया, एक्सपोर्टर हो गया है। तो यूएस ने काफी इन्वेस्टमेंट किस पे किया है, सेल गैस रिसर्च पे। ठीक है, तो कोई भी कंट्री को अपने रिसोर्स को देखना पड़ता है, उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ता है, और उस एक्सप्लॉयटेशन की लागत को धीरे धीरे क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। इसके लिए आपको R&D में खर्च करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च क्यों किया जाता है, शुरू में कोई भी टेक्नोलॉजी महंगी होती है, जैसे 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 समय बढ़ेगा वैसे वैसे उस टेक्नोलॉजी का और उत्पादन का लागत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भारत की बात करके देखें तो इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कौन है, अमेरिका। तो आप सहयोग किससे करोगे, अमेरिका से करोगे। ठीक है, तो कई इलाके में सेल ऑयल और गैस का खोज किया गया है, कुछ इलाके में ड्रिलिंग होकर के काम चालू भी हो रही है। ठीक है, तो देखो कहां कहां पर है, एक होता है समुद्री, एक होता है ऑफशोर, एक है ऑनशोर। कैम्बे ऑनलैंड, दामोदर, कृष्णा एंड गोदावरी ऑनलैंड, दामोदर घाटी में भी पाया जा रहा है सेल गैस। ठीक है, दामोदर मतलब कौन हो गया, झारखंड बंगाल वाला बेल्ट। दूसरा देखिए कृष्णा गोदावरी, यहां पर भी है, तो ये एक नया सोर्स ऑफ एनर्जी है, मे बी 10 साल बाद इस पे काम हो। कोई भी टेक्नोलॉजी को आने पर इंप्लीमेंट होने में थोड़ा समय लगता है, तो अगले 10 साल में सेल गैस का उत्पादन चालू होगा, अभी नहीं है। कोलबेड मिथेन का हम आपको बोले थे, कोलबेड मिथेन का कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन चालू हो चुका है। कुछ अभी टेक्नोलॉजी आनी है तो वो आज से 5-10 साल बाद होगा, कोलबेड पे काम चालू हो गया। जैसे कि कोलबेड मिथेन का भी ऑक्शन हुआ, अलग अलग कंपनी को दिया गया कि यहाँ कोयला है, कोयले खदान के नीचे क्या है, मिथेन है, आपको दे रहे हैं, आप ड्रिल करके इसका मिथेन निकालिए। कोल इंडिया साइन पैक्ट वर्थ इतना सौ करोड़ फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कोलबेड मिथेन। ठीक है, तो ये चालू हो गया, तो वो हो गया कुछ नए सोर्स ऑफ एनर्जी। चूंकि एनर्जी एक क्राइसिस है, आपको एनर्जी चाहिए, इसीलिए सरकारें क्या है, न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी की ओर भी देखते रहती है। अब आते हैं कि मंत्रालय में हम लोग आते हैं, सरकारी मंत्रालय में, जो सरकारी मंत्रालय है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। इसमें दो शब्द है, न्यू और दूसरा शब्द है रिन्यूएबल एनर्जी। कौन हुआ, जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो। नॉन रिन्यूएबल हुआ गया, जो एक बार यूज हुआ दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। जैसे अगर हम सेल की बात करें, सेल रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। सेल अभी जो हम लोग चर्चा किए, सेल ऑयल और गैस, वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन वो क्या है, न्यू है, इसलिए नाम रखा गया। पहले था मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी था, तो हम लोग बात की भाई नया स्रोत को खोजना भी, इसलिए इसका नाम क्या बदल के हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कोलबेड मिथेन क्या है, न्यू सोर्स है लेकिन नॉन रिन्यूएबल है। कोलबेड मिथेन क्या है, न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, अब तक तो नहीं था। समुद्र के अंदर से निकाल रहे हैं क्या, गैस हाइड्रेट, समुद्र के अंदर से निकाल रहे हैं गैस हाइड्रेट। अच्छा, हाइड्रोजन रिन्यूएबल में रखे हैं कि नॉन रिन्यूएबल पर रखें, हम लोग हाइड्रोजन का बात किए, हाइड्रोजन को रिन्यूएबल में रखा जाए या नॉन रिन्यूएबल में रखा जाए। देखो अगर आप ब्राउन हाइड्रोजन की ओर जाते हो तो क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल। अगर आप नेचुरल गैस से हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो नॉन रिन्यूएबल, लेकिन अगर पानी से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करो, ग्रीन हाइड्रोजन, तो क्या होगा, रिन्यूएबल। अगर मीथेन से, नेचुरल गैस से आप हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तब वो कहलाएगा नॉन रिन्यूएबल। लेकिन अगर वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से सोलर पावर का यूज करके निकालोगे तो क्या, रिन्यूएबल, पानी खूब है। इसलिए मंत्रालय का नाम रखा है क्या, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जो पहला वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस आता है 1970 के दशक में, फर्स्ट एनर्जी क्राइसिस आता है कब आपका, 1970s का दौर था। इस समय एक संस्था बनती है, इसका नाम है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसने क्या किया, ऑयल प्राइस को, कच्चे तेल की, कुछ समय गैस का इस्तेमाल नहीं होता था, उस समय क्रूड ऑयल का ज्यादा यूज होता था, गैस का नहीं था, इसने अचानक ऑयल प्राइस को 2-3 times बढ़ा दिया। अचानक कच्चे तेल की कीमत जो है 3 गुना तक बढ़ा दी। तो इस समय पहला एनर्जी क्राइसिस था OPEC बनने के बाद। इस समय भारत सरकार ने एक
कमीशन बनाया कि भाई और कहां कहां से ऊर्जा मिल सकता है। इस समय इसने क्या बनाया, कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्या भाई इसके अलावा कहां से और आपको ऊर्जा मिल सकती है, कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बना 70 में। उसके बाद ये एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करने के बाद तब बनता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ये शुरू में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर था, ठीक है। उसके बाद 1992 में 1992 में बन जाता है मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। क्या बन जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक। और 2006 में इसका रीनेम कर देते हैं क्या, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड, यानी ये नए स्रोत को भी और करेगा और रिन्यूएबल पे भी काम करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल, MNRE। तो ये इस मंत्रालय की कहानी है भारत में। चालू कहाँ हुआ, कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर एक डिपार्टमेंट बना, डिपार्टमेंट के बाद मंत्रालय बनता है, मंत्रालय का फिर रीनोमेनक्लेचर होता है 2006 में एज ए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब इस एरिया में हम क्यों काम कर रहे हैं, ठीक है। सवाल उठता है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर या न्यू सोर्सेस पे काम क्यों किया जाए, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में। इस पे काम करने के जो प्रमुख कारण है, पहला कारण है एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है। देखो हमारा पावर प्रोडक्शन एक तरह से सेफर साइड पे है, बिजली का उत्पादन, क्योंकि हम लोग गैस पे कभी गैस बेस्ड पावर प्लांट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। आज भी हमारे बिजली के जो मैक्सिमम प्लांट है वो किस पे बेस्ड है, कोल। कोल हमारे यहाँ ठीक ठाक है, हाँ प्रोडक्शन कम हो जाता है, कभी कभी हम लोग कोल का आयात भी करते हैं, कोल का आयात भी करते हैं, ठीक है, हम लोग कोल का आयात भी करते हैं। और भारत की कोशिश है कि दूसरे देशों में कोयले के खदान में, ऑयल एंड गैस प्लांट में, गैस का जो ये है क्या नाम है माइन है, उसमें हिस्सेदारी हासिल की जाए, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट आता है क्यों हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी। जैसे आपका ऑयल एंड गैस का ज्यादा हिस्सा क्या होता है, इंपोर्ट होता है। अगर इंपोर्ट के जगह, अगर इंपोर्ट के जगह इंपोर्ट कम हो और मान लो 20% हम, याद करो हम लोग बात किए थे नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, पेट्रोल में 20% क्या मिला दिए, इथेनॉल, तो कम से कम उतना तो कम हुआ। नेचुरल गैस में अगर 10% आप मिला दो हाइड्रोजन, तो 10% आयात कम हुआ, तो आपकी निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहला एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। कोयले के मामले में ठीक ठाक है हम लोग, उसके बावजूद भी ऑयल और गैस में हमारा डिपेंडेंसी ज़्यादा है, ऑयल और गैस में 80% तक, ठीक है। तेल और गैस का 80% हिस्सा क्या करते हैं हम लोग, आयात करते हैं। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, हमारी निर्भरता बाहर पर है। तो खासकर जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, किस पे बेस्ड है, ऑयल और गैस। तो इसलिए सरकार धीरे धीरे क्या ला रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक तो 20% इथेनॉल मिलाई, और सोच के देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहे हैं, जो बिजली से चलने वाला कार होगा उसमें क्या होगा, तेल की कीमत क्या होगी, तेल का मांग क्या होगा, कम होगा। आप बिजली से अपनी गाड़ी चार्ज कर ले रहे हैं तो आप पेट्रोल नहीं भरा रहे हैं, पेट्रोल नहीं भरा रहे हैं तो पेट्रोल तो आप आयात करते हैं ना। बिजली का उत्पादन सोलर से बढ़ा सकते हो, सोलर सौर ऊर्जा और बाकी का इस्तेमाल करके, कच्चा तेल का तो आपके पास रिसोर्स है नहीं। तो अगर मान लिया 20% वहां भी रिड्यूस किए तो क्या हो गया, आपका आयात क्या होगा, कम होगा। मतलब आप सोच के देखो क्यों हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो ऑयल और गैस का 80% क्या है, इंपोर्ट होता है। इसीलिए सरकार की नीति है हाइड्रोजन मिक्स करना, सरकार की नीति क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओर। दूसरा एक एस्पेक्ट था आपका एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरा एस्पेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज। अभी भी मैक्सिमम इलाकों में बिजली कटता है, हजारीबाग में बिजली कटता है, पीक आवर में क्या होता है, सप्लाई नहीं कर पाता हमारा बिजली कंपनी, तो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है। तो अगर मान लो किसी के घर के छत पे सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है, तो अपना तो कम से कम बैटरी चार्ज कर लेगा, डीजल पर निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। झारखंड सरकार 80% सब्सिडी दे रही है रूफटॉप प्लांट लगाने के लिए, जो परिवार 3 लाख से कम आय दिखाता है उसको 80% सब्सिडी दे रही है रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए। तो आपका कुछ निर्भरता तो कम होगा, जहां बिजली की कमी है उस समय आप बैटरी में जो स्टोर करके रखे उससे आप मीट कर लीजिए। दूसरा पहलू हो गया इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, बिजली की कमी अभी भी कई इलाके में। तीसरा एनर्जी एक्सेस, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जलावन के तौर पर लकड़ी या बाकी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं,
ग्रामीण क्षेत्र में, तो अगर वहां पर बायोगैस प्लांट या कुछ और इस तरह के स्थापित कर दिए जाए तो उस पर निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक और इसमें एक और पहलू है इसका कि मान लो कि हिली एरियाज, पहाड़ी इलाके और फॉरेस्ट एरिया, शहर में क्या होता है, एक मोहल्ला खत्म नहीं हुआ दूसरा मोहल्ला चालू हो जाता है, तो बिजली कंपनी को आसान, एक मोहल्ला तक पोल लाया दूसरे मोहल्ला तक पहुंचा दिया। मान लो झारखंड के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर जो गांव है, एक गांव के बाद अगला गांव 10 किलोमीटर दूर है, तो जो पोल बिछाओगे उसका लागत क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। शहर में क्या होता है, आसान है भाई, एक मोहल्ला खत्म हुआ दूसरा मोहल्ला चालू हुआ, एक तो गांव छोटा छोटा है, 100-200-500 घर है, 500 घर भी कम जगह है, बहुत गांव में 100-200-250 घर है, कम बिजली पहुंचा। दूसरा गांव 10 किलोमीटर के बाद है, फिर 10 किलोमीटर खंभा गाड़ी है यहां से वहां, नक्सल प्रभावित एरिया है तो नक्सल आके एक खंभा उखाड़ दिया, खेल खत्म हो गया। आप 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ लगाए, दो खंभा उखड़ गया, बिजली खत्म हो गया। इसलिए सरकार क्या की, जंगल के अंदर जितने गांव है, उत्तराखंड में जो गांव है, दूरदराज के गांव, वहां सोलर प्लांट बिठा रही है, उससे लागत भी कम आ रही है और गांव वाला आत्मनिर्भर है। कोई भी हो नक्सल, वो आके गांव वाले का तो ऐसा नहीं, सोलर प्लेट तोड़ देगा तो कल को भी उसका सर फोड़ देगा, भाई हमारा बाल बच्चा पढ़ रहा है बिजली में, उससे तुमको क्या दिक्कत है, तुम लड़ो सरकार से। अगर उसके घर के छत के ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है तो कोई भी संस्था वो आके नहीं तोड़ेगी, बोलेगा ना कि तोड़ रहे तो ठीक है, ऐसा करो हमको बिजली दे दो ला करके, जो हमको सुविधा मिला उसको क्यों घटा रहे हो। तो दूर दराज के गांव जैसे पहाड़ी गांव हो गए, जो जंगल के बीच में गांव है, वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी बहुत सक्सेसफुल हो। इसी के लिए एक प्रोग्राम भी है जिसका नाम है RVEP, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। क्या नाम है, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। दूर दराज के गांव में वहां पर सोलर पैनल और छोटा सा पंचक्की ये सब लगा करके उसको बिजली सप्लाई कर रहे हैं, उसको मेन ग्रिड पे ज्यादा सस्ता पड़ता है, इस तरीके से ये प्रोग्राम काफी चल रहा है। लगभग 10,000 गांव इस तरह से कवर हो रहे हैं, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, चौथा पहलू क्यों हम लोग काम कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे, वो है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि भारत ने कमिटमेंट क्या क्या है, भारत ने कमिटमेंट किया है कि रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 33-35%। यानी इमिशन इंटेंसिटी का मतलब होता है सेम लेवल के उत्पादन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन को हम कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए, उदाहरण देता हूं कि 2005-06 के कीमत के आधार पर, 2005-06 में 1 करोड़ का गुड या सर्विस बनाने के पर 100 kg CO2 का इमिशन होता था, 100 kg ऑफ CO2 इमिशन। मान लीजिए 1 करोड़ का उत्पादन करने पे कितना 100 kg का CO2 इमिशन होता था। अगर आप 2005 के आधार पे ही चीजों का आकलन करोगे 2030 में फिक्स प्राइस, आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे GDP एट फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है GDP एट मार्केट प्राइस, एक आकलन करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की, कॉस्ट को फिक्स करते हैं। मान लो आलू का जो कीमत था 2005 में, उसी के हिसाब से आज भी आलू का हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो हो जाएगा GDP एट फिक्स्ड कॉस्ट, वो क्या हो जाएगा GDP एट फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर आज के हिसाब से आलू के दाम का आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा GDP एट मार्केट प्राइस। एक हुआ कि 2005 के आधार पे कैलकुलेशन किए तो हो गया GDP एट फिक्स्ड कॉस्ट, और आज के आधार पे किए तो क्या हो गया GDP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो अगर 2005 के आधार पे आप कैलकुलेट कीजिएगा और 1 करोड़ के उत्पादन में अभी 2030 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा वो 65-67 kg होगा, 65-67 kg, क्योंकि हम लोगों ने कमिटमेंट क्या किया है कि वी विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी बाय 33-35%, यही कमिटमेंट है। इसलिए आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हो। एक चीज देखो, यहां पर जो AC है इसमें स्टार बना हुआ है, AC में स्टार बना हुआ है, स्टार रेटिंग कहते हैं, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देता है BEE इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। जितना ज्यादा स्टार होगा उतना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम है। फ्रिज में कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अब स्टार रेटिंग किया जाता है, ठीक है, कि जितना ज्यादा, अगर 5 स्टार है मतलब वो कम बिजली खा रहा है, सेम ठंडा करने के लिए बिजली का कंजम्पशन क्या है, कम है। तो भारत क्या कर रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, इसको कहते हैं एफिशिएंसी बढ़ाना, सेम बिजली में ज्यादा काम कर लेना या सेम काम करने के लिए कम बिजली का कंजम्पशन करना, तो ये भारत का कमिटमेंट है।
दूसरा एक और कमिटमेंट भारत ने दिया कि 40% ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि हमारा जो बिजली उत्पादन होगा उसका 40% हिस्सा जो है कहां से आएगा, नॉन फॉसिल फ्यूल, यानी इसमें कोयला का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें लिग्नाइट का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें नेचुरल गैस नहीं होगा। तो हम लोग बोले कि 40% बिजली का उत्पादन किससे करेंगे, हम लोग गैर जीवाश्म से। फॉसिल फ्यूल क्या हुआ, कोल का सोर्स, कोल या कार्बन का, कोल भी फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल है, सेल भी फॉसिल फ्यूल है, फायर आइस या गैस हाइड्रेट वो भी क्या है, फॉसिल फ्यूल है। तो हम लोगों ने कमिटमेंट किया कि हम लोग फॉसिल फ्यूल को छोड़ करके रिन्यूएबल वगैरह की ओर जाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो विकसित देश है, जो डेवलप्ड कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है उनको क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा, दूसरा फंडिंग। हम लोग कमिटमेंट दे रहे हैं कि ठीक है हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम कर देंगे, इसके बदले में डेवलप्ड कंट्री क्या करेगा, लो कॉस्ट पे हमें फंडिंग करेगा और दूसरा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करेगा। ये दो चीजें, अब आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया। देखो रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल कितनी है, भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है वो 900 गीगावाट है, 1 गीगावाट होता है 1000 मेगावाट। 1 गीगावाट कितना होता है, 1000 मेगावाट, यानी 900 गीगावाट मतलब कितना हो गया, 9 लाख मेगावाट। भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल जो सरकार ने कैलकुलेट करके अपने रिपोर्ट में जारी किया है वो कितना है, 9 लाख मेगावाट। 9 लाख मेगावाट में सबसे ज्यादा है सोलर पावर, ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा सोलर पावर। सोलर पावर कितना, 750 गीगावाट, 7.5 लाख मेगावाट। अभी हजारीबाग में या कहीं भी 7:15 धूप तीखा हो जाता है, और शाम में कब तक रहेगा, 4 बजे तक तीखा धूप रहेगा। तो आपके आपके यहाँ 4:30 तक तो तीखा धूप रहता है, उसके बाद नीचे आता है, तो आपके पास सनलाइट आवर काफी ज्यादा है, तेज धूप होती है। तो आपके यहाँ सोलर का पोटेंशियल सबसे आसान है, जियो थर्मल वगैरह झमेला है, आप ड्रिल करके जाइएगा निकालिएगा, यहाँ तो धूप ही धूप है, धूप से आप परेशान हो जाते हैं, मुंह पे गमछा रख के चलते हैं, तो धूप का कोई कमी है नहीं। बहुत जगह राजस्थान में देखोगे लड़का लड़की दोनों धूप से हाथ जलने लग जाता है, तो अलग से आजकल ये आता है हाथ में पहनने वाला, बाइक लोग जो चलाते हैं तो वो ये पहने हाफ शर्ट पहनता है, हाफ शर्ट में तो हाथ पूरा जल जाता है, फुल शर्ट पहनने का मन नहीं तो हाथ में वो ग्लव क्या कहता है उसको, दस्ताना, लंबा वाला दस्ताना पहनेगा यहां तक, ठीक है। इधर होता नहीं, हम राजस्थान में पहली बार चेहरा सब ढका हुआ, हमको लगे डकैते सब दिख रहा है, सिनेमा था डकैते, हम चेहरा ढक के आता था, उसी तरह सबका चेहरा ढका हुआ है भाई, हम लोग क्या उतना चलन नहीं था, लेकिन उधर और राजस्थान साइड गर्मी ज्यादा पड़ता, सूखा गर्मी होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, चेहरा जलाता है तो देखो पूरा चेहरा ढक के चलेगा, खाली आंख के पास ऐसे जैसे डकैत लोग रहता है, कोई चेहरा छुपा के चल रहा है, और हाथ पूरा ग्लव से इतना दूर तक दस्ताना पहना रहेगा, हाफ शर्ट पहना दस्ताना डालेगा, क्योंकि हाथ जल जाता है, ठीक है, बिल्कुल स्किन में आपका सन बर्न आ जाता है, इसलिए लोग कर रहे हैं। तो 7.5 लाख मेगावाट कहां से हो गया, सोलर पावर। ये तब है जब आप अपने, अच्छा एक चीज और, भारत में आबादी भी ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर खेत को बदल दोगे सोलर प्लांट में, नहीं, अगर खेत को सोलर प्लांट में बदल दोगे तो 130 करोड़ आबादी को खिलाओगे क्या, तो इसलिए आपको एग्रीकल्चर लैंड को, एग्रीकल्चर लैंड को सोलर पावर प्लांट में नहीं बदलना है, जो खेती की जमीन है वहां फल सब्जी ही उगाना है, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड को हमको सोलर में नहीं कन्वर्ट करना है, आज के डेट में वो भी एक समस्या है कि जैसे देखोगे एक होता है ना, एक होता है लैंड कन्वर्जन चार्जेज होता है, जो कृषि की भूमि पर अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग बनाओगे तो आपको परमिशन लेना पड़ता है, ये स्थानीय प्रशासन परमिशन देता है, इसलिए स्थानीय प्रशासन का पकड़ होता है या कमाई होता है या जो कहो उसको, ठीक है। जो कन्वर्जन होता है वो खेल है, एग्रीकल्चर लैंड से मान लो गुड़गांव है, नोएडा है, ये तो खेत था ना, कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉमर्शियल लैंड में, तो सरकार अलाउ करती है, तब जाके आप वहां पर खेती की जमीन पे मॉल बना लोगे, ये नहीं कि मेरा खेत था मॉल बना लिया, नहीं, आपको कन्वर्जन कराना पड़ेगा, कन्वर्जन कराना पड़ता है। तो ये जो आधारित है कि हम सोलर प्लांट में क्या 3% वेस्ट लैंड को हम सोलर पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल करेंगे, 3% ऑफ द वेस्ट लैंड। याद कीजिए हम लोग स्पेस में डिस्कस किए थे एक चीज, नेशनल वेस्ट लैंड एटलस, याद आया, नेशनल वेस्ट लैंड एटलस। तो 3% वेस्टलैंड को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सोलर पावर प्लांट, ठीक है।
जैसे जेएनके में लद्दाख एरिया, लद्दाख का 70% एरिया जो है वेस्टलैंड है। वेस्टलैंड वो जगह है जहां पर ना तो फॉरेस्ट है ना एग्रीकल्चर है। अगर ना तो फॉरेस्ट है ना एग्रीकल्चर है, उस एरिया को हम कहते हैं क्या? वेस्टलैंड। देखो डायग्राम को, देखो वेस्टलैंड इन अ फ्यू स्टेट। ले लद्दाख एरिया क्या है? वेस्टलैंड। 74% लैंड पे ना तो यहां जंगल है ना खेती है, इसको आप यूज कर लिए। हिमाचल का ऊपरी हिस्सा, लाहौल स्पीति जो इससे सटा हुआ, वो भी ये क्या हो गया? कोल्ड डेजर्ट। दो तरह का डेजर्ट है, ऊपर वाला एरिया क्या है? कोल्ड डेजर्ट। राजस्थान देखो, राजस्थान बड़ा एरिया है, 25% लैंड क्या है? वेस्टलैंड है। तो पश्चिमी राजस्थान क्या है? हॉट डेजर्ट। जोधपुर, जैसलमेर, ये सब बेल्ट में आपका रेगिस्तान है, खेती हो नहीं रही है, जंगल है नहीं, वहां पर आप सोलर पैनल लगा लीजिए, तो आपको कोई भी खेती की जमीन इधर से उधर करने की जरूरत नहीं है। झारखंड में वेस्टलैंड कितना है? 10.2। महाराष्ट्र 12%। तो अलग अलग राज्यों का आकलन किया गया है। मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, 13%, ठीक ठाक एरिया हो जा रहा है। मध्य प्रदेश का एरिया बड़ा है, राजस्थान का एरिया बड़ा है, राजस्थान का सोलर पोटेंशियल काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन करने का पोटेंशियल किसका है? राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान क्या है? ड्राई डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, यहां 25% जमीन पे कोई खेती नहीं है, प्लस धूप भी काफी तीखा आता है, जो सनलाइट है वो क्या होता है? काफी तीखा पड़ता है। एक और चीज है, सोलर रिसोर्स, ये लिखा हुआ यहां पर किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। ब्लू वाला कम दिख रहा है, जैसे जैसे लाल की ओर बढ़ोगे देखो बढ़ जाता है। तो यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे पास करता है इस इलाके से, पूरा ऐसे करके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात होते हुए, राजस्थान के हिस्से होते हुए, झारखंड होते हुए ऐसे पास करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या होता है? सन वर्टिकल रहता है। ये थोड़ा सूखा इलाका भी है, डेजर्ट वाला इलाका है, तो यहां पर ज्यादा पोटेंशियल है। ऊपर देखोगे थोड़ा ब्लू दिखा रहा है, यहाँ क्या तिरछा सन का रे पड़ेगा, तो वहां का सोलर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, लेह लद्दाख का भी सोलर पोटेंशियल पर मीटर स्क्वायर क्या होगा? गुजरात, राजस्थान, MP इससे थोड़ा कम होगा। तो ये दो चीजें जब हम सोलर पोटेंशियल का आकलन करते हैं उसमें दो चीज देखते हैं, पर मीटर स्क्वायर कितना बिजली उत्पादन हो सकता है, पहला ये। दूसरा कि भाई आपके पास क्षेत्रफल कितना है जिसमें आप सोलर प्लांट लगा सकते हो। इसी दोनों के आधार पर सोलर पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया, कितना? 7.5 लाख मेगावाट। इसी के आधार पर 7.5 लाख मेगावाट। और शर्त क्या है? शर्त है 3% ऑफ द वेस्टलैंड को यूज करेंगे सोलर पावर के लिए, इसको याद रखना है। 3% वेस्टलैंड विल बी मेड अवेलेबल फॉर सोलर पावर प्लांट। दूसरा ये विंड, ज्योग्राफी में पढ़ेगा, स्कूल में पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में आप स्कूल में पढ़े होंगे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ठीक है, तो हवा ज्यादा तेज से कहां चलती है? तटीय इलाके में। तो जहां पर कोस्ट लाइन लंबा है वहां पर क्या हो जाएगा? विंड पोटेंशियल ज्यादा होगा। जहां पर लंबा कोस्ट लाइन है वहां पर विंड पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सबसे लंबा कोस्ट लाइन किसका है? गुजरात का। तो विंड का पोटेंशियल है 102 गीगावाट, 1,02,000 मेगावाट। जब आप ये जो विंड मिल का जो हाइट है वो आप 80 मीटर पर ले जाते हो, अगर 80 मीटर की ऊंचाई पर, 80 मीटर की ऊंचाई पर आप वो विंड मिल लगाते हो तो पोटेंशियल कितना है? 102 गीगावाट। ठीक है, 100। अगर देखो जितना ऊंचा जाओगे विंड की गति बढ़ जाती है। अगर आप 3rd फ्लोर पे हो तो विंड का स्पीड कम है, अगर आप 10वें फ्लोर पे चले जाएगा विंड स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है,
ग्राउंड फ्लोर में स्पीड कम होगा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाइएगा वैसे वैसे विंड का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो अगर 80, ये कैलकुलेशन जो किया गया है, जब जो खंभा है विंड मिल वाला अगर 80 मीटर है तो ये अगर 100 मीटर पहुंचा देते हैं तो 3 गुना उत्पादन बढ़ जाएगा। रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी एडवांस्ड मॉडलिंग टेक्निक एंड रिवाइज द पोटेंशियल ऑफ विंड पावर एट 100 मीटर मास्ट हाइट टू 302 गीगावाट। अगर 80 मीटर के बजाय 100 मीटर के ऊपर जाके पवन चक्की लगाते हो तो उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है, कॉस्ट लागत भी बढ़ जाएगा ना। 100 मीटर के ऊंचाई पे किसी चीज को आपको स्टेबल रखना है तो उतना स्ट्रक्चर चाहिए, एसोसिएटेड कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन उत्पादन क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। मैंने आपको बोला था एक चीज, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो दूर दराज के गांव हैं, उसको आप ग्रिड कनेक्टेड पावर सप्लाई कीजिएगा तो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, लागत ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर दूर दराज के गांव को आप रिन्यूएबल एनर्जी से पावर सप्लाई कर दीजिएगा तो आसान है भाई। 10 करोड़ का हम क्यों ट्रांसमिशन लाइन बैठाएं, 2 करोड़ का वहाँ पर सोलर पैनल बैठा दें तो गाँव में जो 100-200 लद्दाख के गाँव है उसको बिजली मिल गया, तो लद्दाख हो गया, अरुणाचल हो गया, जम्मू कश्मीर का जो दूर दराज का गांव हो गया वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी को काफी सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी को सेटअप किया जा रहा है। आज से 20 साल पहले जब बिहार झारखंड एक था तो सोलर पैनल का काम चालू हुआ था सरकारी विभाग में। जो पहला डिपार्टमेंट था वो था पुलिस विभाग, जितने पुलिस के थाने थे झारखंड में, ठीक है, उस समय बिहार का ही पार्ट था, उन सब में सोलर पैनल लगाया गया था। क्योंकि नक्सली क्या करता था, पावर सप्लाई को उड़ा देता था, थाना में बिजली चले जाता था। कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर रहेगा कब, जब आपका रेडियो टावर काम करेगा। तो पहला काम किया गया था, झारखंड के जितने थाने थे सब में सोलर पैनल लगा था। दूर दराज गांव में बैठा हुआ बिजली सप्लाई है नहीं, तो आपने क्या किया, सोलर पैनल लगा दिया, उसका बैटरी चार्ज हो गया, उसका सिस्टम चल रहा है भैया, उसको सूचना देना है तो सूचना चला गया, बात खत्म है। तो चाहे पुलिस थाना हो या गाँव है, वो चालू हुआ। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया थाने से, और इसको विस्तार करके किस स्तर पर ले आए, गाँव के स्तर पर, कि छत्तीसगढ़ में जंगल के बीच में गांव है, अब वहां तक बिजली का खंभा ले आने के लिए कई पेड़ को काटोगे, या हवा चला तो तार सट गया पेड़ में आग लग गया, ये भी तो समस्या। ऊंचा ऊंचा पेड़ है, उसके बीच से तुम बिजली का तार ले जा रहे हो, हाई वोल्टेज केबल, अगर सटेगा तो आग लग जाएगा ना। तो इसीलिए ये काफी इफेक्टिव रहा है, भारत सरकार इस पर काफी काम किया है, किसमें, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम पर। अच्छा, देन आप आइए, विंड हो गया, देन पोटेंशियल है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी का मतलब होता है बायोलॉजिकल वेस्ट। जैसे हमारे यहाँ कृषि हमारे रूरल इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जैसे हुआ ना भाई चावल कटा तो पुआल रहता है, गेहूं हुआ तो गेहूं का आप दाना निकाल लिए, जो बच गया गेहूं का भूसा या गेहूं का जो ये सब बच गया वो रह गया, चाहे ज्वार बाजरा या मक्का कुछ भी उगाते हो तो मक्का तो तोड़ लिए, जो पेड़ का हिस्सा बच गया वो क्या है, सेल्यूलोज है, उसको आप जलावन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आप बायो एनर्जी ले सकते हो, कितना, 25 गीगावाट। स्मॉल हाइड्रो की क्षमता है कितनी, 20 गीगावाट। 20 गीगावाट होता है कितना, 20,000 मेगावाट। अच्छा, स्मॉल हाइड्रो का मतलब होता है लेस देन अप टू 25 मेगावाट, ठीक है। 25 मेगावाट तक या उससे कम के जो प्लांट है उसको कहते हैं स्मॉल हाइड्रो। उसको क्या कहते हैं, स्मॉल हाइड्रो MNRE के अधीन आता है। स्मॉल हाइड्रो किसके आया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अधीन आ गया, ठीक है। स्मॉल हाइड्रो जो है ये MNRE के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आएगा। लेकिन अगर वो 25 मेगावाट से ज्यादा है, ग्रेटर देन 25 मेगावाट, तो यह आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। पच्चीस मेगावाट तक है तो किसमें आया, MNRE में। स्मॉल हाइड्रो का डेफिनेशन भारत में है 25 मेगावाट और लेस, 25 मेगावाट से ऊपर है तो वो आ जाएगा किसमें,
मिनिस्ट्री ऑफ पावर।